गाइस दिस इज सृष्टि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर माइक्रोवेव में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये ऑयली नहीं होगी, बहुत ही मिनिमम ऑयल का यूज़ करेंगे हम इसमें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर रेसिपी। तो माइक्रोवेव कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 प्याज स्लाइस की हुई लंबे टुकड़ों में, 4 टमाटर छोटे टुकड़ों में डाइस किया हुआ, 3 हरी मिर्चें, 1 कैप्सिकम बड़े टुकड़ों में, 1 ओनियन बड़े टुकड़ों में, 100 ग्राम पनीर, धनिया गार्निशिंग के लिए 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स धनिया के बीज, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च, 3 खड़ी लाल मिर्चें। इसके साथ हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला, काजू, सॉल्ट, ऑयल, फ्रेश क्रीम, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है। पैन को गैस पर रखेंगे और उसे हल्का गर्म होने देंगे। फिर उसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल करके हमें उनको ड्राई रोस्ट करना है। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, उससे उसके नेचुरल फ्लेवर्स ख़त्म हो जाएंगे। हमें सिर्फ उतना ही रोस्ट करना है जब तक उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा करके हम उसको कोर्स ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, करीब 3 टीस्पून हमने ऐड किया है। फिर हम इसमें ओनियंस ऐड कर देंगे, टमाटर, ये 3 हरी मिर्चें हैं जिनको कि हमने स्लाइस किया हुआ है। इसके साथ हमने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। ये 6 से 7 काजू हैं, इन्हें हम ऐसे ही डाल देंगे। रेड मिर्ची पाउडर, ये कलर के लिए है तो हम इसको करीब 2 टीस्पून डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट हम सिर्फ प्याज टमाटर के हिसाब से ही ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव होने के लिए रख देंगे। और इसको फुल पावर पर हम करीब 8 मिनट के लिए लगाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारा मसाला किस तरीके से भुना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब हम सेम माइक्रोवेव बाउल यूज़ करेंगे और इस मसाले को हमने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 से 2 टीस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे और वापस इस मसाले को हम बाउल में डालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, इसमें बहुत पानी नहीं ऐड करना है। फिर हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, पनीर के क्यूब्स। इसके साथ हम थोड़ी सी धनिया इसमें डाल देंगे और बाकी की गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये गरम मसाला पाउडर है, हम सिर्फ 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसके बाद हम करीब 2 टेबलस्पून इसमें हम अपना कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके बनाया हुआ है। सॉल्ट ऐड कर देंगे क्योंकि मसाला पीसते वक्त हमने हल्का सा पानी डाला था, तो उस हिसाब से हम सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। और ये रेड फूड कलर है जो कि मैंने बताया था, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें 1 से 2 ड्रॉप मैं ऐड कर रही हूँ, बट अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे हम इसको
और वापस से हम 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट का टाइमर हम इसमें लगाएंगे। वो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मिटन्स पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइक्रोवेव में बाउल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई पनीर कितनी अच्छे से तैयार है। हम इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी हम ऊपर से डालेंगे। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट गार्निशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको क्रीम से भी गार्निश किया है। तो ये हमारी कढ़ाई पनीर बन के तैयार है बहुत कम ऑयल में। Guys, this was all my recipe. I hope you liked it and do share your experiences in the comment section below. Few things that need to be taken care of is that once we are roasting the dry masala, उसको हमें सिर्फ तब तक ही रोस्ट करना है जब तक कि उसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस ना आने लग जाए। उसको तुरंत बंद करना है और कोर्स ग्राइंड करना है। So yeah guys, do like and subscribe to my channel and till then happy cooking and bye bye.